हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पटना विश्वविद्यालय से कि जो भी लोग फर्स्ट ईयर में बीए पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन, बीकॉम पार्ट वन, स्नातक वर्ष 2019-22 सेशन में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, तो उनका आज जारी होगा कट ऑफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीयू में पुराने पैटर्न से नामांकन आज से जारी होगा कट ऑफ। आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड कराना है। आप देख सकते हैं पेपर में कैंपस जागरण में साफ क्लियर किया हुआ है और यहां से हम आप लोग को न्यूज को लेकर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में पुराने पैटर्न से ही नामांकन होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग स्वर्ण के छात्रों को सामान्य कोटि मतलब जो EWS का आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी छात्राओं को 35% क्षैतिज आरक्षण और 100-point रोस्टर से नामांकन का निर्णय वापस ले लिया है। मतलब इससे आपका 100-point रोस्टर और 35% जो आरक्षण छात्राओं को मिलने वाला था जो इस बार से लागू होने वाला था नहीं होगा, पुराने पैटर्न पर ही एडमिशन होगा। केवल एक नया पैटर्न है कि EWS जो 10% कोटा स्वर्ण आरक्षण वे आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पीयू कुल सचिव के साथ शनिवार को सामान्य प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक और कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मतलब शनिवार को आपका जो एक बैठक हुआ है पीयू में और पूरा स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि कैसे नामांकन होगा और वे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुराने पैटर्न पर ही हम लोग नामांकन लेंगे। कुल सचिव कर्नल मनोज मिश्रा ने बताया कि पिछले साल की तरह ही नामांकन प्रक्रिया संचालित की जाएगी। सीटों में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया, कोई भी सीट नहीं आपका बढ़ा हुआ है। सभी कॉलेज पहले की तरह ही कट ऑफ जारी कर नामांकन लेंगे। देखिए सब कॉलेज अपना अलग अलग, जो भी पटना कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, ये सब अपना अलग अलग कट ऑफ जारी करेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार केवल 10% स्वर्ण आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पटना विश्वविद्यालय को 6 जून की उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय से UG और PG कोर्स में छात्राओं को 35% आरक्षण और 100-point रोस्टर के अनुसार नामांकन लेने के लिए मार्गदर्शन किया गया था। इसके आधार पर मगध महिला कॉलेज व पटना कॉलेज ने मेगा सूची जारी, नामांकन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया था। इसके बाद देखिए आपका मगध महिला कॉलेज जो था ये सब आपका मेगा सूची जारी कर दिया गया था। जब शिक्षा विभाग को गलती का एहसास हुआ तो 25 जून को विश्वविद्यालय को तत्काल नामांकन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। ये जो आपको जो नामांकन स्थगित 25 जून को हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि मगध महिला कॉलेज ने मेगा सूची जारी कर दिया था तो 100-point रोस्टर और 35% जो आरक्षण था उस पर बात और सहमति नहीं बनी और पुराने पैटर्न पे ही इस बार पीयू में नामांकन होगा। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आज आपका कट ऑफ और मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।